हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फ्रांसीसी क्रांति जो है एक टॉपिक लाया हुआ हूँ, जो फ्रांस की क्रांति है ना। एक ये एमपीपीएससी मेंस का भी ये टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति। और ये कई बार इससे जो है क्वेश्चन जो है देखा गया है, 15 नंबर और 6 नंबर या 3 मार्कर में। तो दोस्तों, आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस की क्रांति है क्या। दोस्तों, सबसे पहले आप बेसिक इंट्रोडक्शन याद रखिए फ्रांसीसी क्रांति का, कि दोस्तों ये जो क्रांति है ये 1789 से लेकर 1799 तक चली है ना। और ये फ्रांस के इतिहास की एक ऐसी क्रांति रही जिसने कि वहाँ की जो सत्ता थी, जो राजतंत्र था वहाँ पर इसने जो है, इस क्रांति के कारण वहाँ का राजतंत्र ख़त्म हो गया। एक लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की वहाँ पर क्या हो गई, स्थापना हो गई। मतलब जो है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वहाँ पर राज करने लगी। दोस्तों, ये क्रांति इसलिए भी कुछ खास हुई है, इस क्रांति के बाद से जो है नेपोलियन, जो बोनापोर्ट है, आपने नाम सुना होगा, उसका भी उदय हुआ था, है ना। नेपोलियन बोनापोर्ट के बारे में भी हम यहाँ पर आप जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो क्रांति थी, इस क्रांति ने पूरे विश्व के इतिहास को जो है एक नया मतलब मार्ग प्रशस्त किया। लोगों को ये लगने लगा कि भाई राजशाही जो है ख़त्म होनी चाहिए, और भी जो देश थे दूसरे वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, है ना। तो और भी जो देश थे दूसरे देश से, वो भी जो है अपने यहाँ पर क्रांति जो है करने लगे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये देखा गया कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ये 1789 से लेकर 1799 तक चली है। इस कारण जो है वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है, और इस लोकतंत्र की स्थापना जो वहाँ पर हुई है उससे, उसके कारण और भी जो विश्व के देश थे वहाँ भी जो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी स्थापित हुई। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्रांति का कारण क्या है। तो दोस्तों, इस क्रांति के 3-4 कारण थे। नंबर पहला वाला जो कारण था दोस्तों, इसे कहा जाता है राजनीतिक परिस्थितियाँ। इसमें हो क्या रहा था दोस्तों, कि फ्रांस में जो एक वंश का राज था, एक वंश शासन करता था वहाँ पर, उसे बोला जाता था बर्बोन डायनेस्टी, बर्बन वंश था। और इस बर्बन वंश में कई प्रकार के राजा हुए, जैसे लुई 14, ये नाम है एक राजा का, लुई 14 के बाद उसका लड़का लुई 15, लुई 15 के बाद उसका लड़का लुई 16। तो दोस्तों, ये जो लुई 14 था, लुई 14 एक निरंकुश शासक था, है ना। निरंकुश मतलब कि मतलब एक निर्दयी शासक था, मनमाना काम करता था, क्योंकि ये यही कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। वो ये बोला करता था कि मैं अपनी इच्छानुसार कानून बनाऊँगा, है ना, और जो है इन कानूनों को लागू करूँगा, मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों, इसका जो लड़का था लुई 15, वो भी इसी प्रकार का अदूरदर्शी था। उसका लड़का था लुई 16, वो भी इस प्रकार था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि इस क्रांति में जो लुई 16 था, ये लुई 16वें के शासनकाल में अत्याचार बहुत ज़्यादा ही मतलब जो है बढ़ गया, क्योंकि वो ये कहा करता था लुई 16 कि कोई चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि ये मैं चाहता हूँ, है ना। और उसमें हुआ क्या था दोस्तों, कि लुई 16 की एक पत्नी थी जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो दोस्तों, इसमें हो क्या रहा था कि ये पति और पत्नी दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब जो है निर्दयी थे। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ कि एक बार जो है अकाल पड़ा, है ना। तो जो वहाँ की गरीब जनता थी, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो वो लोग महारानी के पास गए। महारानी से कहा कि महारानी, खाने के लिए खाना नहीं है, हम लोग क्या करें। तो महारानी बोली कि खाना नहीं है तो भाई ब्रेड खा लो, है ना, लेकिन टैक्स तुम्हें बराबर देना पड़ेगा। जिस कारण इस प्रकार की फिजूल जो है मतलब बयानबाजी के कारण जो जनता है उसको ये लगा कि ये जो राजा रानी है ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये बहुत निरंकुश हैं, है ना, इनकी तानाशाही, इनकी जो है मतलब जो है इनका शोषण दिन ब दिन बढ़ रहा है। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में था दोस्तों ये कि फ्रांस में समाज 3 पार्टों में बटा था। जो आप जैसे हमारे यहाँ होता है ना मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना, और जो अपर क्लास, उसी प्रकार वहाँ पर भी 3 पार्ट थे। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट था, इसे बोला जाता था प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट का मतलब था ये हायर सोसाइटी थी, यहाँ पर पादरी लोग रहा करते थे, है ना, जो पादरी वर्ग था, जो कि मतलब ईसाई धर्मों में जो पूजा वगैरह का पाठ कराते हैं ये पादरी थे, है ना, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसी प्रकार दोस्तों, जो द्वितीय स्टेट था मतलब मिडिल क्लास, यहाँ पर जो है द्वितीय स्टेट में सेना था, है ना, न्यायालय वाले जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, ये इसमें आते थे, है ना, इन्हें भी कोई जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो तीसरा वर्ग था दोस्तों, इसे तृतीय स्टेट कहा जाता है। तृतीय स्टेट का मतलब ये था कि
कि इसमें किसान, मजदूर है ना, और जो बुद्धिजीवी व्यापारी ये थे, और इन्हें दोस्तों टैक्स देना पड़ता था। तो समाज जो था वो तीन पार्टों में था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और जो थर्ड स्टेट वाले थे इन्हें भर टैक्स देना पड़ता था, बाकी सबको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिस कारण दोस्तों सामाजिक जो है असमानता बहुत ज़्यादा थी, है ना। इनको लगता था जो सबसे लोअर क्लास थे कि भाई हम ही भर टैक्स दे रहे हैं, बाकी जो दो टैक्स नहीं दे रहे थे, जिस कारण जो जनता थी दोस्तों उनमें असंतोष बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये दूसरा कारण है सामाजिक कारण का। तीसरा दोस्तों कारण है आर्थिक परिस्थितियां। आर्थिक परिस्थितियां का मतलब ये था कि जो लुई चौदह का शासनकाल था, उस लुई चौदह ने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है ना, जो है राजकोष खाली कर दिया। इसी प्रकार लुई पंद्रह था, तो लुई पंद्रह ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में जो है भाग लिया, 7 वर्षों तक युद्ध लड़ता रहा, उसमें भी पैसा गया। इस प्रकार लुई सोलह था, तो लुई सोलह ने अमेरिकी क्रांति में हिस्सा ले लिया, जिस कारण जो है वहाँ भी पैसा गया। और इसके अतिरिक्त जो है जो राजा और रानी और जो उनका परिवार था वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, जबकि पैसा जो है जनता का था, तो जनता में खर्च करना चाहिए था, लेकिन जनता में खर्च ना करके अपने ऊपर खर्च करते थे, जिस कारण जो है आर्थिक रूप से फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, अगला दोस्तों कारण है विचारकों या दार्शनिकों की भूमिका। फ्रांस एक ऐसी भूमि है दोस्तों कि यहाँ पर एक से एक जो है विचारक आए, मतलब अच्छे अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे मॉन्टेस्क्यू थे, है ना। मॉन्टेस्क्यू जो है एक बहुत अच्छे जो है मतलब बोलना चाहिए राजनीतिक मतलब जो है विचारक थे। इनकी एक पुस्तक थी प्रसिद्ध द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने ये बोला था कि राजा का पद जो है, राजा का पद कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, ना यहाँ पर जो है लोकतंत्र होना चाहिए, जिस कारण जो है लोगों को ये लगा कि भाई मॉन्टेस्क्यू की बात बिल्कुल सही है। इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शक्ति के पृथक्करण मतलब जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन्होंने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया है इसके बारे में, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत। इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरे विचारक हुए, बढ़िया आदमी थे, वाल्टेयर। वाल्टेयर ने जो है ब्रिटेन में जो है मतलब राजशाही के विरुद्ध जो है मतलब अपने विचार रखे। इसी प्रकार दोस्तों एक थे रूसो। रूसो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, इन्होंने जो है मनुष्य की स्वतंत्रता की बात कही है। रूसो ने जो है प्रसिद्ध अपनी पुस्तकें लिखी हैं, जिन पुस्तकों में एमिली है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, रूशोनी है। इस प्रकार रूसो भी अच्छे थे। तो दोस्तों टोटल क्या हुआ कि इस प्रकार के कवि हुए, दार्शनिक हुए, विचारक हुए, जिस कारण यहाँ के लोगों ने, इन लोगों ने मतलब आम आदमी को समझाया कि भैया तुम्हारे साथ राजा बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा है और अन्याय नहीं सहना चाहिए तुम्हें, तुम्हें क्या करना चाहिए जो है इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए। अब दोस्तों ये तो पूरे कारण थे, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इतनी बड़ी क्रांति अचानक तो हो नहीं गई, अभी तो ये ज़मीन तैयार हो रही है, है ना। कोई ना कोई ऐसा तात्कालिक कारण भी होना चाहिए जो कि तुरंत जो है जिसमें चिंगारी होनी चाहिए, जो आग पकड़े। तो तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों कि लुई सोलह के जो शासनकाल था उसमें फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था ऋणों में डूब चुकी थी, मतलब दिवालिया हो गया था पूरा फ्रांस। अब जब फ्रांस दिवालिया हो गया था तो जो है मतलब लोग बागों से वो टैक्स मनमाना ले रहा था, है ना, उन्हें जो है ज़्यादा जो है मतलब पूछ नहीं रहा था आम जनता को, जिस कारण दोस्तों क्या हुआ कि लुई सोलह के शासनकाल में एक मतलब जो है किला था, बास्तील का किला। बास्तील के किले में ये लुई सोलह की जो जनता थी वो इस किले में घुसी है, है ना। वहाँ से उन्होंने औजार हथियार छीन लिए और वो फ्रांस की पेरिस में लूटपाट मचाने लगे। लूटपाट ये लोग इसलिए मचाने लगी वहाँ की आम जनता, क्योंकि वो भूखी प्यासी थी भाई, खाने को खाना नहीं है, कोई कब तक भूखा रहेगा, जिस कारण, और राजा सुन नहीं रहा था, जिस कारण अब ये तात्कालिक कारण था। तो लुई सोलह ने सैनिकों को भेज दिया कि भाई, सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जो है गोलियों से भून दो इस आम जनता को, लेकिन सैनिकों ने भी बोला कि नहीं, आम जनता के साथ ही हम रहेंगे, जिस कारण अब ये तात्कालिक कारण दोस्तों हुआ। और इसके बाद जो है अब लुई सोलह की शासनकाल जो है डगमगाने लगा। अब लुई सोलह के जो शासनकालीन फ्रांसीसी क्रांति, इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? तो दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि लुई सोलह को जो है आम जनता ने क्या कर दिया, मार दिया, है ना। आम जनता जो है लुई सोलह को मार दिया। इसके बाद वहाँ पर चुनाव हुए, चुनाव में जो है मतलब जो है लोकतंत्र यहाँ पर जो है स्थापित तो होना था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा ने एक घोषणा की, राष्ट्रीय सभा वहाँ के लोगों ने बनाई थी, है ना, जो कि लोअर क्लास के लोग थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय सभा बनाई और उन्होंने ये बोला कि हम कभी अलग होंगे, जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक हम साथ में बने रहेंगे। इस प्रकार वहां पर जो है दोस्तों क्या हुआ, संविधान वगैरह बना।
ठीक है ना। इसी प्रकार जो है जब संविधान बना तो इसके बाद 1799 से 1814, चूँकि 1799 में क्रांति ख़त्म हो गई थी, तो 1799 से लेके जो है आपका 1814 तक जो है नेपोलियन ने क्या किया, मतलब जो है वहाँ का हेड बन गया, नेपोलियन डायरेक्टरी के शासन का अंत किया। अब फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना था 1799 में नेपोलियन, और 1804 में इसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह नेपोलियन के तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की जो है वो क्या हो गई, स्थापना हो गई, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि बोला जाए कि इस फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, तो याद रखिए दोस्तों क्रांति जो हमेशा होती है, चूँकि फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए थे, फ्रांस के ज़्यादा पढ़ने लिखने के यहाँ पर मतलब ये है कि ये लोग अखबार पढ़ते थे, है ना। जो मजदूर थे वो शोषण को समझने लगे थे, है ना। जो युवा वर्ग था वो अपनी बेरोजगारी को समझने लगा था, लोग अवेयर थे अच्छी तरह से, इसलिए जो है फ्रांस में क्या हुआ है, क्रांति हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो क्रांति थी, ये क्रांति जो है काफ़ी ज़्यादा दुनिया में फेमस रही, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि भाई फ्रांस में राजशाही जो है ख़त्म होकर लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, तो लोग बागों के जो और भी देश थे वो भी अपने यहाँ जो है क्या करने लगे, कोशिश करने लगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमने ये फ्रांस की क्रांति के बारे में जानने की जो है चीज़ें मतलब कोशिश की है। अगले वाले लेक्चर में दोस्तों मैं आपको सेपरेट नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताऊंगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा आदमी है जो कि ये कहा करता था कि इम्पॉसिबल नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।